मैं आपको बता रहा हूँ पूरा ओवरव्यू ई बार्टर सिस्टम कैसे काम कर रहा है। सबसे पहले आपने ज़ैम्प को लॉगिन कर लेना, स्टार्ट कर लेना। इसके डाटाबेस अपाचे सर्वर को और एसक्यूएल डाटाबेस को स्टार्ट कर लेना। स्टार्ट करने के बाद आपने यहाँ पे फाइल आपने ऑलरेडी अपना HT डॉक्स में फोल्डर सेव कर रखा है ई बार्टर नाम का, तो यहाँ से लोकल, और उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करके ये डैशबोर्ड हटा के ई बार्टर फोल्डर खोल लेना आपने। ई बार्टर के स्पेलिंग सही है, लिखते हैं ई बार्टर, यस ई स्मॉल है, बार्टर कैप्स में है। ये इंडेक्स पेज है, होम पेज यही है, तो ऑटोमेटिकली ये ओपन हो जाएगा। ध्यान रखना जो ई बार्टर फोल्डर आपने HT डॉक्स में XAMPP के अंदर HT डॉक्स के अंदर ई बार्टर का फोल्डर सेव कर लेना। उसके बाद ये खोल लेना। दो ऑप्शंस आ रही हैं आपके पास, यूज़र लॉगिन और एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन। पहले यूज़र लॉगिन पे चलते हैं। अगर तो आपने ऑलरेडी अपना यूज़र अकाउंट बनाया हुआ तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनाया तो पहले आपको यूज़र का अकाउंट बनाना पड़ेगा, तभी लॉगिन कर पाएंगे। अभी इसमें कोई भी यूज़र अकाउंट नहीं है, तो सबसे पहले मैं अपना यूज़र अकाउंट क्रिएट करूँगा। तो यूज़र अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले अपना नाम लिखना है। मान लो मेरा नाम है राम कुमार, और लास्ट नेम है कुमार, एंड फ़ोन नंबर है मान लो ये, कुछ भी लिख सकते हैं, और ईमेल आईडी लिखनी ज़रूरी है, sample@gmail.com। तो मेरा यूज़र रजिस्टर हो चुका है, तो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुका है। तो उसके बाद तो मैं अब इस पे लॉगिन कर सकता हूँ, ऑलरेडी रजिस्टर मेरा हो चुका है। अभी मैंने किया था example@gmail.com के नाम से मैंने अभी रजिस्टर किया, तो रजिस्टर होनी ज़रूरी है ईमेल आईडी, तभी ये प्रोफाइल पेज खुलेगा। अदरवाइज़ वहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगी कि आप पहले रजिस्टर कीजिए। तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शंस आ रही हैं कि आप अपना प्रोफाइल एडिट करना चाहते हैं, जैसे अपना नेम चेंज करना चाहते हैं, राम कुमार की जगह कुछ और नाम लिखना चाहते हैं प्रोफाइल के अंदर, या फ़ोन नंबर चेंज करना चाहते हैं, या एनी थिंग, यू कैन एडिट योर प्रोफाइल। और अगर आपने कोई आइटम डोनेट करनी है, कुछ आइटम डोनेट करनी है, तो आप इस ऑप्शन पे जाओ, डोनेट आइटम। तो आइटम की डिस्क्रिप्शन लिखोगे कि आइटम आप क्या डोनेट करना चाहते हैं। मान लो मेरे पास कोई पुराना सैमसंग का फ़ोन है, वो मैं डोनेट करना चाहता हूँ। सैमसंग फोन विद गुड बैटरी बैकअप एंड हाई क्वालिटी डिस्प्ले स्क्रीन। क्वांटिटी में कितने, एक ही फ़ोन है मेरे पास, वो अवेलेबल था, मैंने सबमिट कर दिया। तो ये अपडेट होगी आइटम। और दोबारा से अगर मैंने फिर से कोई और आइटम करनी है अपडेट, तो मान लो मेरे पास कुछ पुरानी नोटबुक्स पड़ी हैं खाली, वो भी मैं डोनेट करना चाहता हूँ। और नोट बुक्स इन गुड कंडीशन, मेरे पास 10 नोटबुक्स पड़ी हैं, तो वो मैंने सबमिट कर दिया। तो ऐसे आप आइटम्स को डोनेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने कोई आइटम को रिक्वेस्ट करना, मान लो ऑलरेडी किसी ने डोनेट की हुई है और यू वांट टू गेट देम, तो आप रिक्वेस्ट का न्यू आइटम पे क्लिक करोगे, और यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगी जो आइटम्स ऑलरेडी डोनेटेड हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी डोनेटेड यही दो आइटम्स हैं, वो हमने ही किया, लेकिन अगर किसी और ने की होती वो भी यहाँ पे, उनकी लिस्ट यहाँ पे आ जाती। तो जो भी आप आइटम रिक्वेस्ट करना चाहते हो उसको क्लिक करके और सबमिट कर दोगे, आपकी रिक्वेस्ट है जो प्लेस हो जाएगी। तो इन दिस वे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर दूसरे में एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन, एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन में इसका पासवर्ड फिक्स ही है, एडमिन और admin@123, और इस पर लॉगिन करोगे आप तो चेक कर सकते हैं कि कोई रिक्वेस्ट तो नहीं आई, रिक्वेस्ट या कोई किसी ने क्या क्या आइटम्स को डोनेट किया, वो आप डिटेल में यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो सेम आईडी से आप डोनेट कर रहे हो तो सेम आईडी से रिक्वेस्ट नहीं हो सकते हैं। तो रिक्वेस्ट आइटम रिक्वेस्टेड ये आ गई आपकी, जो डोनेटेड आइटम्स हैं वो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी इन डिस्प्ले। यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, आइटम्स डोनेटेड की ऑप्शन लिखना था, यहाँ पे आइटम्स रिक्वेस्टेड है। होपफुली यू हैव अंडरस्टूड कैसे आपने आइटम डोनेट करनी है या रिक्वेस्ट करनी है। तो दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ डूइंग ऑल दिस। होपफुली अगर आपको थोड़ा बैकअप में भी दिखा देते हैं, अगर हमारे पास लॉगिन पेज खुला हुआ है तो यहाँ पे खोल लेते हैं और यहाँ पे आप PHP एडमिन में जाके देखोगे आपका जो डेटा है, यूज़र आपने अभी अभी क्रिएट किया था ई बार्टर के अंदर, ये यूज़र अभी हमने इस नाम का यूज़र क्रिएट किया था, जो हमने आइटम्स अभी डोनेट किए हैं, आइटम्स आ गए हैं जो रिक्वेस्टेड किए हैं हमने, वो यहाँ पे डोनेटेड जो आइटम्स हमने किए हैं यहाँ पे डोनेट आइटम्स की इन्फॉर्मेशन आपको डिस्प्ले हो जाती है। होपफुली
आप अंडरस्टैंड करके। थैंक यू वेरी मच।